नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सी भाषा में कितने रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं? तो सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 6 प्रकार के जो है रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। डबल इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो हैं ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं और इनका इस्तेमाल कुछ इस तरह से जो है वैल्यूज में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करता है? यानी कि हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं, तो वैल्यू जो स्टोर की जाती है उसे असाइन कहते हैं। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए या असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। जो इक्वल का जो निशान होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है, वो किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, सी किस प्रकार की भाषा है? तो सी लैंग्वेज जो है ये एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। इसके अलावा सी जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो प्लस प्लस ऑपरेटर है वह एक यूनरी ऑपरेटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही है चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, सी भाषा में लॉजिकल एंड को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? यानी कि जो एंड ऑपरेटर होता है उसको किस प्रकार के सिंबल के माध्यम से हम वहां पर लिखते हैं या फिर यूज करते हैं? तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, एंड, और नॉट, जो कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो एंड ऑपरेटर के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर के लिए हम एंड सिंबल का ही यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 2 बार एंड सिंबल का यूज करके हम एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, इसके अलावा एंड के लिए डबल एंड, ठीक है, और का मतलब होता है हिंदी में अथवा। ठीक है, तो उसके लिए डबल पाइप, 2 बार पाइप ऑपरेटर। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है यहां पर आप देख सकते हैं, नॉट, ठीक है, नॉट ऑपरेटर के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ईबुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ईबुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ईबुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, जहाँ पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन, जो कि पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ईबुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ईबुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? तो सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप होते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो लूप क्या होता है, किसी भी हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है किसी प्रोग्राम के अंदर, उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए कोई भी कोड जितनी ज्यादा बार रिपीट होता है वह लूप कहलाता है। लूप का मतलब होता है घूमना, वापस से रिपीट होना। ठीक है, तो जो कोड बार बार रिपीट होता है किसी कंडीशन को प्राप्त करने के लिए, तो उसे लूप कहते हैं। और लूप आपके 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हो। सातवां प्रश्न है, 9, 5, 8, ठीक है, 9 एक क्या है, एरे है, उसकी यहाँ पर लेंथ डिसाइड की गई है 5 और 8। ये क्या है, ये आपका जो है 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, इसी ये 2D एरे भी हम इसको बोलते हैं, ये 2 डायमेंशन एरे है। इसमें अधिकतम कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके एलिमेंट आप देख सकते हैं 5 और 8, 2 बार लिखा गया, यानी कि 2 डायमेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की और 8 की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 8 * 40, ठीक है, तो ये जो 9 एरे है, ठीक है, एरे का जो 9 है इसके अंदर हम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? इसके अंदर टोटल 40 एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 8 * 5, यानी कि 8 * 40 हो जाएगी। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। एरे किस प्रकार के वेरिएबल को होल्ड रखता है? तो कोई भी जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो एरे की खास बात क्या होती है कि इस एरे का रूल ये होता है कि किसी भी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, ठीक है, या फिर कितने भी हम स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो उनका जो डेटा टाइप होगा वो सबका एक समान होना चाहिए। अगर सभी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होंगे, नंबर है तो नंबर होंगे, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट होंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप जो है उन सभी का समान होना चाहिए, ये जो एक शर्त होती है, एक नियम होता है, ठीक है, कोई भी एरे डिक्लेयर करने से पहले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समान डेटा टाइप। किसी भी एरे के अंदर हम एक समान डेटा टाइप के जो वेरिएबल हैं उसको जो है स्टोर कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है,
सी लैंग्वेज कब डेवलप की गई थी? तो जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह सन 1972 में 1972 में डेवलप की गई थी और इसको डेवलप किया था डेनिस रिची नाम के व्यक्ति ने। दसवां प्रश्न है सी किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो सी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि तीसरी पीढ़ी के टाइम पीरियड में जो है डेवलप की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।